ये भी पुल है, ये भी ऊपर जाता है वहां से जाने। जैसा कि आपने अनाउंसमेंट में सुना कि तारनाथ एक्सप्रेस 4 नंबर पे आ रही है, तो आप देखिए 4 नंबर पे कितनी भीड़ है तारनाथ एक्सप्रेस के लिए। ये आधे साइड का है, अभी पीछे साइड भी दिखा रहे कितनी भीड़ है। वहाँ से ले गए और 3 नंबर पे बलिया शाहगंज पैसेंजर खड़ी है जो शाम में जाती है, और इधर 1 नंबर पे बलिया सियालदा है, और आगे देखेंगे तो बलिया शाहगंज पैसेंजर के पास भी, वहाँ पर कोच के बगल में भी खड़े हैं कुछ लोग नीचे के साइड। तो ये भीड़ आप देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ सारनाथ एक्सप्रेस के लिए। और इस साइड पीछे साइड चलें तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, पूरा प्लेटफॉर्म ही भरा हुआ है सारनाथ एक्सप्रेस के लिए 4 नंबर पे जो कि आ रही है। देखेंगे आप लोग, और डबल लाइन चालू हो चुकी है अभी। यहाँ से 05446 वाराणसी सिटी छपरा पैसेंजर को 2 नंबर से निकाला है, और उधर से सारनाथ बांसडी रोड भी निकल गई है, तो दोनों आपस में क्रॉस करेंगी कहीं पे बलिया बांसडी के बीच। ये भीड़ आप देख सकते हैं, सारनाथ एक्सप्रेस आ रही है 4 नंबर पे, और बहुत भीड़ भी है 4 नंबर पे। कुछ लोग तो 3 नंबर पे ट्रैक के पास भी खड़े हैं। तो सारनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती हुई, कानपुर के वेब 7 के साथ सारनाथ एक्सप्रेस। भीड़ देखिए खाली, आप लोग जो होली की रिटर्न वाली भीड़ है, कल होली थी, होली मना के लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने जगह। इस साइड देखे तो इधर से भी कुछ लोग पुल से उतर रहे हैं नीचे ट्रैक के साइड, और देखिए बहुत गड़बड़ मच चुकी है, कितने लोग का कुछ पीछे है, कितने लोग का आगे है, पूरा वहां पे बहुत तगड़ी भीड़ है। यहाँ पे देखिए उतारा जा रहा है सामान, और लोगों को अभी चढ़ने का मौका नहीं मिला है। अब पीछे साइड जनरल कोच लगा है, तो जनरल कोच के साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है, आगे तो एसी ओसी था।
होली का है ना सब। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टर सिग्नल हो गया। इधर एसी है तो उतना भीड़ नहीं है। अब पीछे जनरल और स्लीपर का साइड देखिए, पीछे जनरल और स्लीपर का कोच है। एसी में उतना लोग जाते नहीं है, पूरा अभी भीड़ अभी चढ़ ही नहीं पाए लोग यहाँ पे, ये खुद ही नहीं चढ़ पाए हैं। प्रस्थान का समय हो चुका है, ट्रेन हॉन्क दे रही है और लोग अभी चढ़े भी नहीं है, और ट्रेन चल भी दी है। अब लग रहा है कि चेन पुलिंग होगी क्योंकि बहुत लोग अभी नहीं चढ़े पीछे का साइड, अब देखेंगे तो। और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुकी होगी ये इतनी भीड़ में भी। बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है होली की, रिटर्न भीड़, और बहुत से लोग उतरे भी हैं। और लखनऊ छपरा का अनाउंसमेंट होता हुआ, इधर सब क्लियर हो गया है, चढ़ गए हैं लोग, ट्रेन चल दी है। तो पूरा खाली हो गया है इधर का, ऊपर भी आ रहे हैं कुछ लोग जो उतरे हैं ट्रेन से, और यहाँ से निकल गई ट्रेन। इधर बलिया से हल्दा का लोको आता हुआ, सारनाथ एक्सप्रेस चली गई भीड़ को लेकर बलिया से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ थी होली के बाद रिटर्न की सारनाथ एक्सप्रेस से, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई और चली गई। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।